गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सुपर 60 एजुकेशन हब में फिर मैं सचिन यादव आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। आज की वीडियो हमारी कोटेशन के आधार पर रहेगी, जो कोटेशन हमारे चैनल का है कुछ अलग कुछ बेहतर, तो शायद थोड़ा सा कुछ अलग देने की कोशिश है इस बार। नहीं जैसा कि आप लोग मुझे देते हैं कि मैं जनरली किसी न किसी एग्जाम के बारे में आपके सामने आता हूं, तो आज ऐसा भी कुछ नहीं है, या फिर डेली वोकैब लेकर के आता था हिंदू की वो भी नहीं है ऐसा कुछ। आज थोड़ा सा कुछ अलग है, ऐसी समस्या जो एक एसएससी एस्पिरेंट्स या बैंकिंग एस्पिरेंट्स या जो भी इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेशन मतलब उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये, जो आज मैं कहीं ना कहीं आप लोग की काफी हद तक क्लियर कर दूंगा। लाइफ में आप पहली बार आज एक चीज जानेंगे जो शायद आज तक आप लोग के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ हद तक मैं कोशिश करूंगा कि वो समस्या आपकी करीब करीब फिनिश हो जाए। तो ज्यादा कुछ ना कहते मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं और बताता हूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम कुछ ऐसे शब्द जानेंगे कि जिनकी सहायता से हम और आप इस काबिल हो जाएं कि इंग्लिश में आने वाले किसी भी शब्द को देख करके हम तुरंत बता दें कि ये एक नाउन है या एक एडजेक्टिव है, ये एक वर्ब है या एक एडवर्ब है। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी लाइन सुनने के बाद कि हाँ मैं किस समस्या की बात आप लोगों से कर रहा था। हर एक स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसे पहचाने कि नाउन है या फिर ये एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है। तो देखिए, या तो फिर आप इतने टैलेंटेड हो कि हर वर्ड की मीनिंग आपको पता हो, उसकी क्लास पता हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कौन सी क्लास के अंतर्गत वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब तो आप डिफाइन कर लेंगे इस चीज को। अदरवाइज कोई ना कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास कुछ तो, क्योंकि देखिए आज का जमाना जो है वो ट्रिकी हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चाहिए हमें। तो उसी स्मार्ट वर्क के तहत मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। तो ज्यादा कुछ ना करते हम सीधे आगे बढ़ेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं, अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने आपने सुना होगा हमेशा इंग्लिश जब भी आप पढ़ने की कोशिश की होंगे आप लोग जानते होंगे इस वर्ड को, सफिक्स, ठीक है। सफिक्स तो मैं भले से लिख रहा हूं, बट अगर मैंने सफिक्स लिखा तो आप इसके साथ एक चीज और जानते होंगे, इसे क्या कहते हैं हम, प्रीफिक्स। अगर ये दोनों जानते हैं, इसके अलावा एक चीज जो आप नहीं जानते थे कि ये दोनों भी किसी चीज के अंतर्गत आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहां ऊपर में लिख दूं बट आपको नजर नहीं आएगा, वो आते हैं अफिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अफिक्स मतलब कि जोड़ना। अब अफिक्स मतलब क्या, ये वर्ड मिलकर बना है दो शब्दों से, एड प्लस फिक्स से, मतलब कि जोड़ना, फिक्स कर देना किसी चीज में ले जाकर, अब वो आगे चाहे पीछे। प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ना, सफिक्स, ये सफिक्स किससे मिलकर बना है, सब प्लस फिक्स से, सब मतलब जो अधीन हो आपके, आपके बाद में आए, तो सब प्लस फिक्स से मिलकर के हमने क्या बना दिया, सफिक्स। तो फिलहाल हमें आज जो पढ़ना है उसके अंदर हम सफिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, प्रीफिक्स वगैरह ये सब किसी और वीडियो में बाद में जब जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये वैसे नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, आपको कहानी बैकग्राउंड देना था कहानी को। तो सब प्लस फिक्स से मिलकर के हमारा क्या बन गया, सफिक्स। इसका मतलब जानते होंगे जो छोटे छोटे शब्द हम किसी बेस या प्राइमरी वर्ड के लास्ट में जोड़ दें या फिर उसके पहले जोड़ दें तो वो प्रीफिक्स या सफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो आगे इसे मिटाते हैं, हम आगे देखते हैं, अपने पॉइंट पर सीधे आ रहे हैं हम। अब यहां पर हम चार सफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लें कि मैं चार का ही नाम क्यों ले रहा हूं, मैं एक नाउन का ही नाम क्यों ले रहा हूं, मैं एक एडजेक्टिव का ही नाम क्यों ले रहा हूं, मैं एक वर्ब का ही नाम क्यों ले रहा हूं और मैं एक एडवर्ब का भी नाम क्यों ले रहा हूं। ये दो तीन मिनट में जो बोलने जा रहा हूं ये भी आप लोगों के लिए कुछ अलग होगा, सब लोग नहीं आपको बता पाएंगे, ये वही टीचर या फिर वही पर्सन बता सकता है जिसने एमए तक की इंग्लिश को कंप्लीट किया हो, ठीक है। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो दो क्लासेस के अंतर्गत डिवाइड होती है, दो क्लासेस के अंतर्गत, ठीक है। पहली होती है ओपन क्लास, दूसरी होती है क्लोज्ड क्लास। ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ओपन क्लास के अंतर, ओपन क्लास के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी वो ओपन होंगी, खुली हुई होंगी, उनको जोड़ कर कुछ बढ़ाया जा सकता है या फिर उनको घटा कर कम किया जा सकता है, ठीक करके, ठीक है। बट जो क्लोज्ड क्लास की चीजें होंगी उनमें ना आप कुछ जोड़ सकते हैं ना आप कुछ घटा सकते हैं। वर्ब जो मैंने बोला उसमें भी मेन वर्ब ना कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हटा दीजिएगा, आप कभी भी ध्यान दीजिए, इज के अंदर कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एम के अंदर कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, वर में कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कुड वगैरह, कैन वगैरह, इन सब में कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहां देखिए मैंने लिखा है रमेश, ठीक है, रमेश लिखा, आप जोड़ सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं इसमें। मैं लिखता हूं यहां पे अमेंड, अमेंड मतलब सुधार करना होता है, आप इसको जोड़ सकते हैं, आप मेंट लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए जुड़ करके बन रहा है कि नहीं, मैंने यहां लिखा क्या, बॉय, आप इसमें जोड़ सकते हैं, आईएसएस बना सकते हैं, बॉयश, बन रहा है कि नहीं। तो इसके अंदर हम जानेंगे, मैंने डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपको क्लियर कर दी, बता दी।
वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस जिनके अंदर शब्दों में कुछ जोड़ करके कुछ नया बनाया जा सकता है, उन्हें घटा करके कुछ बनाया जा सकता है, वो ओपन क्लास के अंतर्गत आती है। और जिनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ घटाया नहीं जा सकता, जो अपनी स्थिति में यथावत है उसी तरीके से बनी रहेंगी, उन्हें हम क्लोज्ड क्लास में रखते हैं। तो वो कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो आती हैं, ये भी देख लें हम। एक नाउन हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, एक वर्ब, वो भी कौन सी, मेन वर्ब, डायनेमिक जिसमें वर्ब हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़ करके जो भी वर्ब हो वो भी इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। और उसके बाद एक एडवर्ब। इन चारों को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं वो सब हमारी क्लोज्ड क्लास के अंतर्गत होती हैं, बाकी ये सब चीजें ओपन क्लास के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जो सफिक्स हम जोड़ेंगे वो तो किसी न किसी शब्द में जोड़ेंगे ही ना, तो किसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओपन क्लास ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भागों में जो डिवाइड करना होता है मैंने आपको बता दिया, काफी डीप की चीज थी, फोकस रहेगा इस पे। मैंने जो बोला वापस से वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा एक आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप भी किसी को बता सकते हैं कि हाँ ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों इनमें जुड़ता है। अब आप ही सोच लीजिए किसी कंजंक्शन में आपको कोई कुछ जोड़कर कुछ बनाना तो बना पाएंगे आप कभी? आप कभी एंड में कुछ जोड़ पाएंगे? आप कभी बट में, देयरफॉर में कभी कुछ जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना। इंटरजेक्शन, हुर्रा वगैरह, यिप वगैरह, इस समय कुछ जोड़ पाएंगे आप? कभी नहीं जुड़ेगा। तो इस वजह से ये क्लोज्ड क्लास के अंदर आती है, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं हम, जो हमें पढ़ना है आज वो सफिक्सेस जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्धारण करते हैं, ठीक है। कितने होते हैं मैंने बताया आपको, चार होते हैं। कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका नाउन सफिक्स, ठीक है, पहला हो गया नाउन सफिक्स। दूसरा है आपका एडजेक्टिव सफिक्स। तीसरा है आपका वर्ब सफिक्स। और चौथा है आपका एडवर्ब सफिक्स, ठीक है। मैं एक चीज और कोशिश करूंगा, आप लोग इसकी जेपीजी फाइल मिल जाए, आप स्क्रीन पे कहीं कहीं आपको नजर आ जाएगी जेपीजी फाइल, उसे रोक करके या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी लिस्ट जो मेरे हाथ में वो आपको मिल जाएगी। एक्चुअली इसलिए मैंने इसको इसलिए रखा है कि वीडियो को ब्रीफ में कर करके मैं जल्दी से आप लोग के सामने सारी चीजें दे दूं और कम समय में ज्यादा काम आपका हो जाए, ठीक है। तो ये चार सफिक्सेस आते हैं, मैं इसमें आपको पूरे नहीं बताऊंगा, सारी की सारी आपको पीडीएफ में और जेपीजी फाइलें मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो मेन मेन चीजें रहेंगी, मेन मेन जो अक्सर ही आते हैं हमारे सामने वर्ड्स, उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। ये चार तरीके के सफिक्सेस हमारे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्धारण करते हैं, जिसमें से नाउन और एडजेक्टिव खास करके मुख्य हैं। वर्ब और एडवर्ब तो मान लीजिए नॉर्मल है, वो हम लोग ऐसे ही रट लेंगे, याद हो जाएगा हमको, लेकिन ये नाउन और आपके एडजेक्टिव जो है इसमें काफी हमारे अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला अपना शुरू करते हैं, नाउन सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जो नाउन सफिक्सेस मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्हें देख करके आप तुरंत कह देंगे कि ये शब्द अगर है तो क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है या फिर क्या है, ठीक है। तो क्योंकि हम पहले नाउन सफिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल नाउन के बारे में, नाउन सफिक्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। नाउन सफिक्स पहला हमारे सामने है, पहला सफिक्स जो है साइज, ठीक है। कोई वर्ड है जैसे देखिए एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट की हिंदी होती है सटीक होना। उसके बाद है आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंट। कॉन्स्टेंट मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहना, फ्रीक्वेंट मतलब कि यदा कदा होना, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सीवाई लगा करके मुझे इस शब्द को नाउन बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा? यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए कुछ याद आया आप लोगों को, एक्यूरेसी सटीकता, ठीक है, कॉन्स्टेंसी क्या है स्थिरता, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बारंबारता, ठीक है। तो दिखाई दिया होगा आप लोग को, मैंने ये इन शब्दों को जो कि बाद में पता चलेगा आप लोगों को ये एक वर्ब है, उसमें सी आई लगाकर उसको नाउन बना दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तीनों वर्ड अब क्या बन गए आपके, एक नाउन बन गए। तो अब आज के बाद से कभी भी किसी भी शब्द के लास्ट में आप जब भी सी वाई देखिएगा तो आप तुरंत कह देंगे वो क्या है, एक नाउन है। वो क्या है वो शब्द एक नाउन है, ठीक है। ये तो सीवाई का हो गया केस हमारा। हम आगे बढ़ते हैं, फास्ट रहूंगा क्योंकि ज्यादा है और मुझे जल्दी खत्म करना है वीडियो को, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो मुख्य है एंस, एंस, ठीक है। मैं दोनों को साथ में देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए कोई शब्द है एक्सेप्ट, हिंदी क्या होती है स्वीकार करना, ठीक है। अब्सेंट मतलब कहीं से अनुपस्थित होना। फिर है आपका कॉन्फर, किसी से बात वगैरह करना।
तो ये देख लीजिए आप लोग, एन से बनाना है हमको एक्सेप्ट, मैंने लिखा है यहां पे एक्सेप्टेंस स्वीकारोक्ति, ठीक है, अब्सेंस अनुपस्थिति, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस मतलब कोई सभा वगैरह। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, मैं मीनिंग बोलता जा रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होना, कॉन्फर्म मतलब कैसे बात वाद विवाद करना, बातचीत करना। लेकिन ये अब तक तो वर्ब थी, बट ईएनसी या एएनसी जोड़ करके हमने इनको क्या रूप दे दिया, एक नाउन का रूप दे दिया। तो सीवाई के बाद हम क्या देखेंगे, एएनसी या फिर ईएनसी, वह किसी भी शब्द के लास्ट में हो तो क्या कहलाएगा, वो एक नाउन कहलाएगा, ठीक है। दो चीजें हमारी, तीन चीजें सर याद हो गई हमको, ये दोनों मैंने एक साथ करके दे दिया ताकि आप लोग का जल्दी हो जाए, एक में खत्म हो जाए दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं। आप वीडियो आप लोग रोक रोक के बल्कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए। उसके बाद हमारे सामने है मेंट, काफी आप लोगों ने सुना होगा और याद भी हो गया होगा, अगर किसी शब्द के लास्ट में मेंट आप लोग देखते हैं तुरंत कह दीजिए वो क्या है आपका, एक नाउन है, ठीक है। एग्री हो गया, और क्या नेक्स्ट वर्ड है आपका, अलॉट, अलॉट हो गया, तुरंत समझ जाएंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद एग्री, एग्री में जब आप मेंट जोड़ेंगे, एम ई एन टी जोड़ेंगे, या अलॉट में जब मेंट जोड़ेंगे तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा और अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब एग्री मतलब सहमत होना, लेकिन एग्रीमेंट मतलब समझौता, अलॉट मतलब निर्गमित करना किसी के लिए, लेकिन अलॉटमेंट मतलब निर्गमन, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके, एक नाउन। तो अब हमने एक और चीज क्या जानेंगे, किसी भी शब्द के लास्ट में एम ई एन टी हो, किसी भी शब्द के लास्ट में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक नाउन कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला अपना सफिक्स देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर आप लोगों को मैं बता दूं वीडियो के अंतर्गत ही, बट ये भी मेरा ध्यान रहे कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए ज्यादा, क्योंकि बच्चे देखना पसंद नहीं करते ना, बच्चे तो यूट्यूब पे उनको दूसरी चीजें नजर आती है अच्छी अच्छी अच्छी, ये सब चीजें तो पढ़ने वाली चीजें तो उनके समझ में आती नहीं है जल्दी, तो इसलिए कोशिश हम लोग यही रहती है कि वीडियो को छोटा किया जाए, लेकिन क्या करें, वीडियो भी देनी है, कंटेंट भी अच्छा देना है, समय भी कम चाहिए, तो काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। फिर भी चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मैं कई एक साथ दे रहा हूं आप लोगों को, आईओ टी आईओ एन एस आई ओ एन और डबल एस आई ओ एन, ठीक है। ज्यादा फोकस मत रहिएगा इस पे, बस इन दोनों पे फोकस रहिएगा, ये भी है बट फिर भी आप इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्ट, फिर है आपका इलेक्ट, सॉरी, उसके बाद है आपका एडमिट, और उसके बाद है आपका कन्वर्ट, ठीक है। एक्ट मतलब कोई एक्ट वगैरह करना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्य करना कोई, तो क्या हो जाएगा, एक्शन मतलब कि कार्य। इलेक्ट मतलब चुनना, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्शन मतलब कि चुनाव। एडमिट मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, किसी का एडमिशन, एडमिट करना, किसी को स्वीकार करना एक तरीके से, तो इसका हम लोग क्या कह देंगे, एडमिशन। एडमिशन आपका होता है स्कूल वगैरह में, मतलब क्या होता है, स्कूल आपको स्वीकार कर लेता है। और कन्वर्ट मतलब तब्दील करना, तो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, रूपांतरण, ठीक है। हाँ, तो ये भी आप लोग का हो गया एक साथ, इतना ये चारों हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख ले रहे हम लोग, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहिएगा आप लोग, ध्यान देते चलिएगा, मैं अगर नहीं निशान बना रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भूल जाएंगे, ठीक है। ये चारों शब्द क्या कहलाएंगे आपके, किसके अंतर्गत आएंगे, नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इसको देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं हम लोग। अब अगला शब्द हमारे पास क्या है, साथ लिख देना जिन्हें मैंने छोड़ा था, एज, ठीक है, उसके बाद डॉम, ठीक है, फिर है आइस, फिर है टाई या आई टी वाई, पहले ये चार देखते हैं, ठीक है। एज मैंने लिखा तो कैसे लिखा मैंने, आपका लीक, लीक मतलब कहीं से पाइप वगैरह में लीक हो जाता ना, कहते हैं उस पाइप में लीक हो गया, वहां से गैस निकलने लगी, तो वो लीक है वो यहाँ पे, ठीक है। लीक में एजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लीकेज, लीकेज मतलब आपको क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, ये रिसाव कहते हैं। डॉम, जैसे कि अब किंग है, किंग मतलब राजा होता है, किंग के साथ हम डीएम जोड़ देंगे किंगडम, तो क्या होगा उसका, राजपाट, ठीक है। कुछ और लेकिन यहां जोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा टिक नहीं बैठा है, किंग के साथ मान लीजिए यहां पे फ्री है, फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्रीडम स्वतंत्रता, फ्री मतलब किसी को लिबरेट करना, स्वतंत्र कर देना, तो फ्रीडम आपको क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक है। आइस के साथ क्या हो जाएगा, देखिए कावर्ड, ठीक है, और है आपका एडवाइस,
ये इस समय एक अपनी एडवाइस ध्यान दीजिएगा, आई एस ई है जब ये, तो अपने वर्ब रूप में ठीक है, लेकिन इसे हम नाउन बनाने के लिए क्या कर देंगे, एड वाइस ठीक है। एक कावर्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका कावर्ड डाइस ठीक है, इकायरता आपकी हो जाएगी यहां पे। ये आपके चार और हो गए एड, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, बहुत ही काम की चीजें बता रहा हूं, आप लोग बहुत ही ध्यान रखें, बोर बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि एक बार आज जान लेंगे जिंदगी भर की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। 60-70% वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत आ ही जाएंगे, जिन्हें आप तुरंत देखते ही कह देंगे नाउन है, एडजेक्टिव है, या एक वर्ब है, एडवर्ब है ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम आगे देख रहे हैं, जैसा कि मेंट और मेंट में आप लोगों ने जाना ही था, उसी तरीके से ये भी है एंट या फिर एंट ठीक है। जब भी किसी वर्ब के अंत में ए एन टी या ई एन टी जुड़ा होगा, किसी भी वर्ब के लास्ट में ए एन टी या ई एन टी हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक नाउन बन जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पे दो शब्द मेरे सामने दिए हुए हैं, असिस्ट या करेस्पॉन्ड ठीक है। असिस्ट मतलब सहायता करना, करेस्पॉन्ड मतलब पत्राचार करना ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, असिस्टेंट, जो आप लोग अपने असिस्टेंट वगैरह रखते हैं उनको असिस्टेंट, सलाहकार संबंधी समझ सकते हैं असिस्टेंट सॉरी ठीक है। और उसके बाद करेस्पॉन्ड है आपका, तो करेस्पॉन्डेंट ठीक है। करेस्पॉन्ड मतलब क्या होता है आपका, पत्राचार करना, यहां से यहां की बात वहां करना, वहां की बात यहां करना, तो करेस्पॉन्डेंट एक तरह से संवाददाता को कहते हैं जो बातचीत करवा सके आपकी ठीक है, उसको करेस्पॉन्ड कहते हैं। और देख लीजिए दो इंपॉर्टेंट और हैं यहां पे, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं आपको, शिप और क्या है उसका हुड। आपका कोई कहीं पे कोई तानाशाह है, क्या कहते हैं उसको हम, डिक्टेटर, उसमें अगर उसकी जो तानाशाही है, एक नाउन तानाशाही कहलाएगी ना, उसमें शिप जोड़ दीजिए, बस देखिए आपका तुरंत नाउन तैयार हो जाएगा आपके सामने, डिक्टेटर शिप, शिप जोड़ा नाउन बन गया। यहां पे भी इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा ठीक है। उसके बाद है हुड, ब्रदर क्या होता है, भाई होता है ना आपका, उसमें हुड आप जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा वो, ब्रदरहुड मतलब भ्रातृत्व, भाईचारा, ब्रदरहुड उसे कहेंगे ठीक है। तो ये मुख्य आप लोग के सामने नाउन सफिक्सेस थे, जितने की जरूरत है, जो अक्सर ही आपके सामने आते जाते रहते हैं वो मैंने आपको यहां बता दिया। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को रिवर्स कर करके देखते रहेगा हर बार इसे अच्छी तरीके से, तब तक देखिएगा जब तक आपका पूरा तैयार ना हो जाए। और अभी और काम की चीजें आने वाले, कुछ एक्सेप्शंस, जरूरी नहीं कि हर वर्ड के लास्ट में अगर मैंने कह दिया कि ये लगता है तो नाउन ही होगा, तो जरूरी नहीं कि हर एक सफिक्स अपनी जो श्रेणी रहेगी, अपनी क्लास रहेगी, पार्ट सफिक्स की, वो निर्धारित ही रखे। कुछ सफिक्सेस ऐसे भी हैं जो कहीं पे एल लग करके कुछ बनते हैं, कहीं पे एलवाई लग के कुछ बनते हैं, कहीं पे कुछ बनते हैं ठीक है। क्या बनते हैं आगे हम देखते हैं वीडियो में, पहले बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना आप लोगों का, इसीलिए पहले नाउन सफिक्स में देख लेते हैं। एक एक्सेप्शन हमारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, एल और एल ठीक है, ये एक वर्ब में लगेगा और ये नाउन में लगेगा आपका। जब एल आपका एक नाउन में लगेगा तो कैसे क्या हो जाएगा ये देख लें जी आप लोग यहां पे, एक्सीडेंट ठीक है, और अगला वर्ड क्या है, ब्रूट ठीक है। और यहां पे देख लेते वर्ब वाले में, अप्रूव या फिर बरी, ध्यान दीजिएगा आप लोग ठीक है। जब अप्रूव में मैंने एल लगाया तो क्या बन गया, अप्रूवल, किसी की स्वीकारोक्ति ठीक है, किसी की सहमति। और बरी में जब मैंने एल लगाया तो क्या हो गया वो आपका, सॉरी बरी मतलब आप लोग जाने के दफन कर देना, और बरियल मतलब कब्रगाह उसकी ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये दोनों यहां पे एल एल दोनों मिलकर क्या बन गया यहां पे, ये एक नाउन बन गया। नाउन कैसे बन गया, जब एल को हमने एक वर्ब के लास्ट में लगाया, ध्यान दीजिए मैं यहां पे इसको बार बार चला रहा हूं, एक वर्ब के लास्ट में जब मैंने एल लगाया तो वो क्या बन गया, एक नाउन बन गया। एक वर्ब के अंत में जब मैंने एल लगाया तो वो वर्ड क्या बन गया, एक नाउन बन गया। बट वहीं दूसरी तरफ जब एक नाउन के लास्ट में मैंने एल लगाया, ये देखिए यहां पे, तो वो क्या बन गया आपका, एक्सीडेंटल, मतलब कि एक एडजेक्टिव बन गया वो ठीक है। और ये ब्रूटल, ब्रूटल मतलब निर्दयी, एक्सीडेंटल मतलब क्या कह सकते उसे आप, दुर्घटना संबंधी आकस्मिक रूप में जो हो जाए वो ठीक है।
तो ये आप लोग समझ रहे होंगे, एक नाउन के लास्ट में जब हमने एयर लगाया तो एक्सीडेंटल वगैरह, ब्रूटल वगैरह हमारे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं। और ये शब्द कैसे होते हैं, ये एडजेक्टिव क्लास के होते हैं, ठीक है। और वही जब हम एक वर्ब के लास्ट में एयर लगा देते तो अप्रूवल बन गया, बरियल बन गया, तो वो किसके अंदर होते हैं, नाउन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये पहला एक्सेप्शन था आपका, एक नंबर डाल के नोट कर लीजिएगा, एएल जब नाउन के लास्ट में लगे तो एडजेक्टिव बन जाता है, और एएल जब एक वर्ब के लास्ट में लगे तो एक नाउन बन जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें ही, अब एक नाउन के अंदर जो एक्सेप्शन था आपका मैंने आपको बता दिया, हम आगे बढ़ते हैं सीधे अगली क्लास के ऊपर आते हैं, एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। कुछ अलग देने की मेरी कोशिश है, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके मेरे इस वीडियो के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे, जिससे कि मैं थोड़ा सा प्रेरित हो सकूं और ऐसे ही कुछ ना कुछ नया आप लोग के लिए हमेशा लाता रहूं, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए करता रहूं। अभी तो फिलहाल इंग्लिश की बात है, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कहेंगे तो जो अलग कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक औरों की भीड़ से अलग बनाकर खड़ा कर दे, तो वो भी मेरी कोशिश रही कि मैं आपको आपके साथ वो चीजें शेयर कर सकूं, बट ये आपके डिमांड पे ही हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इंग्लिश बेस्ड ही हम लोग रहते हैं, इंग्लिश में ही चलते हैं आगे। एडजेक्टिव सफिक्स की बात करता हूं मैं आगे चल के आपके साथ, एएल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब यहां देख रहे हैं, आप लोगों ने काफी सुना होगा काउंटेबल, सुन के निकाल दिया, लेकिन आज आप लोग जान जाएंगे क्या होगा। देखिए अकाउंट, ठीक है, डिपेंड जोड़ दीजिए सीधे, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, जवाबदेह, और ये क्या हो जाएगा आपका, डिफेंसिबल मतलब कि रक्षणीय है, डिफेंसिबल हो जाए वो, वहां पे रक्षणीय हो जाए, ठीक है। तो ये एबल और ये इबल क्या बता रहा है आपको कि ये शब्द कैसे हैं, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एबल और ये इबल। अब किसी भी शब्द के लास्ट में आप कभी भी एबल या इबल देखिएगा, तुरंत कहेगा वो शब्द क्या है आपका, एडजेक्टिव के सेक्शन में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख रहे हैं, अब एक रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना होता है, और रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेह ये भी होता है, ठीक है। तीन चीजें और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को एडजेक्टिव के अंतर्गत ही, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट हां देख लीजिए आप लोग, लाइक सम और वर्दी, ठीक है। हमेशा आप लोगों ने शब्दों के अंत में ये तीन चीजें जरूर देखा होगा, लाइक के लिए हम देख लेते हैं क्या, चाइल्ड मतलब बच्चा, लेकिन चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसा जो व्यवहार करे उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लाइक। तो चाइल्ड लाइक यहां क्या हो जाएगा, एक ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर सम, हैंड मतलब हाथ होता है, उसके लास्ट में अगर आप सम लगा दें, सॉरी हैंडसम मतलब कि कोई कोई मेल हो वो खूबसूरत लगे तो उसके लिए हम हैंडसम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वर्दी, प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, लेकिन जब वही वर्दी प्रेज के लास्ट में लग जाए तो प्रेज वर्दी कहलाता है, क्या हो जाता है, प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन, ये भी हो गए, हाँ। अच्छा एक चीज और, ये लाइक के साथ ही इसी शब्द के साथ में बता दे रहा हूं आपको, अलग से नहीं लिखना पड़े मुझे, एक ये भी तो होता है ना, चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसा, जो बच्चों जैसा व्यवहार करे बिल्कुल से उसको चाइल्डिश कहते हैं, ठीक है। चाइल्ड लाइक भी होता है, चाइल्डिश भी होता है। आईएसएच यहां पे जोड़ा, आईएसएच भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है, मतलब कि ये किसी भी लास्ट के, सॉरी वर्ड के लास्ट में आईएसएच जब आए तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, ज्यादा एक ही बार में नहीं बताऊंगा आपको मैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग इस पे ध्यान फोकस्ड रहिए पूरी तरीके से, काम की चीज चल रही है आपकी, ठीक है, कोई फालतू का वो नहीं बताया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है आपके लिए। आप देखेंगे अगर इसको तैयार कर लें अच्छी तरीके से और उसको फिर अपने मतलब पढ़ाई में उसका यूज करते जाएं तो आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको नजर आएगा कि जो चीजें मीनिंग निकालने में आपको काफी परेशानियां हुआ करती थी अब नहीं होंगी इसके बाद, ठीक है। अभी तो हम एडजेक्टिव पे, अभी हमको वर्ब के पास भी जाना है और एडवर्ब के पास भी जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और कुछ बता दें हम, बाकी तो नॉर्मल है सब, वो सब आप पीडीएफ में देख सकते हैं। एक चीज और, अब जैसा कि मैंने नाउन में आपको एक एक्सेप्शन बताया था, वैसा इसमें भी एक एक्सेप्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को, अच्छी तरह से पता होगा जो बच्चे कहीं पढ़े हैं वगैरह, हल्का भी देखे हो अगर थोड़ा सा ध्यान दिए हो एलवाई का, ठीक है। एक एलवाई में यहां लिख दे रहा हूं, एक एलवाई में यहां पे लिख दे रहा हूं आपका, देखिएगा जब भी किसी नाउन के अंदर आप प्लस एलवाई जोड़ दें, ठीक है, और जब भी किसी आप एक एडजेक्टिव के अंत में
एल वाई जोड़ दें तो शब्द कैसे बदल जाते हैं अभी आपके सामने नजर आ जाएगा आपको। अब तक शायद आप लोगों ने ना ध्यान दिया हो लेकिन अब आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हेवन, ठीक है। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फादर, मतलब पिता होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सैड, दुखी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं बैड, मतलब कि बुरा, ठीक है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे ये दोनों मैंने क्या लिखा है, एडजेक्टिव लिखा, लेकिन ये दोनों मैंने क्या लिखा, नाउन लिखा। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैंने एलवाई जोड़ा हेवनली, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा क्या करें, मार्कर रुकता नहीं ना, कर्सिव बन जाता सब कुछ। हेवनली मतलब दैवीय, जो अलौकिक हो उसको हेवनली कहेंगे हम, ठीक है। फादर पिता होता है, फादरली मतलब पैतृत्व किस्म का, फादरली कहलाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एलवाई जुड़ गया एक नाउन के अंत में, तो ये क्या बन गया आपका एक तरीके का एडजेक्टिव। अगर वहां नहीं दिखा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या बन गया आपका एक तरीके का एडजेक्टिव बन गया, ठीक है बच्चों। अब आगे यहां देखते हैं सैड और बैड, ये दोनों क्या है एक तरीके के एडजेक्टिव, खुद पहले से ही है वो। अब किसी एडजेक्टिव फिर से आप एलवाई जोड़ेंगे और उसको फिर से आप एडजेक्टिव कहेंगे तो ये तो गलत होगा ना। इस वजह से यहां पे जब आपने सैड में एलवाई जोड़ा ये क्या बन गया आपका सैडली, और जब बैड में आपने एलवाई जोड़ा तो ये क्या बन गया आपका बैडली। और ये दोनों मिलकर के आपको क्या बताएंगे कि ये एडवर्ब के सेक्शन में आते हैं। तो अब आइंदा से गलती कभी मत करिएगा, जैसे एलवाई देखे तुरंत मत कह दीजिएगा कि वो एक एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा शब्द को, देखिएगा कि उसका जो प्राइमरी वर्ड है, जो बेस वर्ड है, उसका बेस वर्ड ध्यान दे देंगे आप लोग। मैं वर्ड के वर्ड फॉर्मेशन एक बार आपको क्लास लूंगा, कोई ना कोई वीडियो में बताऊंगा वहां पे। फिर शब्द भी हमारे चार तरीके के होते हैं, प्राइमरी वर्ड, सेकेंडरी वर्ड, प्राइमरी डेरिवेटिव और सेकेंडरी डेरिवेटिव, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वहां पे कैसे आप शब्दों के बीच में अंतर करते हैं वो चीजें भी आपको पता चल जाएंगी, कौन सा बेस वर्ड होता है, कौन सा प्राइमरी डेरिवेटिव होता है, कौन सा सेकेंडरी डेरिवेटिव, ठीक है। जो मैंने सेकेंडरी वर्ड बोल दिया वहां पे वो गलत था, कंपाउंड वर्ड होता है, प्राइमरी वर्ड और दूसरा कंपाउंड वर्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं आप इसको, जल्दी जल्दी बोलने चक्कर में वो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलवाई का एक एक्सेप्शन था एडजेक्टिव सफिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी वीडियो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। दो जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट थे नाउन सफिक्सेस और एडजेक्टिव सफिक्सेस, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं अब, सॉरी खत्म हो ही चुके हैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों। अब हम आते हैं हमने अगले सफिक्स के बाद जो है हमारा वर्ब सफिक्स, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर देख देख के बता रहे हैं कुछ ऐसा, वो बस इसलिए मैंने ऐसा हाथ में लिया आपने कि ताकि मुझे याद रहे चीजें, ये जो एक एक करके सफिक्सेस मैं आपको बताता जा रहा हूं, तो ताकि फ्लुएंसी बनी रहे वीडियो, कहीं पे रुकना ना पड़े, मुझे सोचना ना पड़े, ठीक है। तो हम देखते हैं, जनरली हमने देखा है शब्द के अंत में, ठीक है, एन। मैं एक साथ कई लिख दे रहा हूं वीडियो को, मैं नहीं चाह रहा हूं ज्यादा लंबा जाए क्योंकि ये हो जाएगा एक साथ, ठीक है। और यहां पे आ जाता है हमारा आई जेड या आई एस ई, इन दोनों का भी अंतर बता दूंगा क्या है, ठीक है। यहां देख लीजिए, इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा आपका, ग्लोरी। ईट के लिए क्या है, हैबिट। और अगला वर्ड है आपका कैप्टिव, और ये नीचे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, हाँ नजर आ रहा है, ये भी लिख दे रहे हैं हम आइजर एस, कैपिटल, सेंट्रल। बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं सीधे अपने मेन मुख्य बात की तरफ बढ़ते हैं कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं सब, ये तो लिखने का काम हो गया। देखिए एन ये ब्लैक था, ब्लैक मतलब काला होता है, जब ब्लैक के लास्ट में आप एन लगा देंगे क्या हो जाएगा आपका शब्द, ब्लैक एन मतलब कि ब्लैक कर देना, काला कर देना किसी को। लेंथ मतलब लंबाई होती है, लेकिन हम जब इसके अंत में एन लगा देंगे लेंथ एन मतलब कि किसी को लंबा कर देना, बढ़ा देना। ब्यूटी मतलब सुंदरता होती है, लेकिन उसके लास्ट में जब हम आई एफ वाई लगा देंगे ब्यूटीफाई मतलब कि सौंदर्यीकरण, मतलब सुंदर बनाना किसी को। पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, इंसान होता है, लेकिन हम उसके लास्ट में जब आई एफ वाई लगाते हैं पर्सनीफाई मतलब किसी का मानवीकरण करना, किसी भी चीज को हम जीवित वस्तु के रूप में दिखाएं तो हम पर्सनीफाइड उसको क्या कर देते हैं, पर्सनीफाइड कर देते हैं, वही है यहाँ पे पर्सनीफाई। ग्लोरी मतलब हमारी हमारा यश होता है, हमारी प्रशंसा होती है, तो ग्लोरीफाई किसी चीज को प्रशंसनीय बना देना, ग्लोरीफाई कर देना, सजावट देना एकदम। हैबिट मतलब हमारी आदत होती है, लेकिन हैबिचुएट हैबिचुएट आदती हो जाना, कैप्टिव कैप्टिवेट
एक मिनट जरा सा, हाँ कैप्टिवेट, किसी को अपने अधीन कर लेना, अधीन बना लेना, ठीक है। आईजेडी और आईएससी का केस क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस कुछ नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, बस और कुछ नहीं, दोनों है वर्ब सफिक्स है आपके, बस जब हमें अमेरिकन इंग्लिश दिखाना हो कहीं पे तो हम वहां पे आईजेडी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमको ब्रिटिश इंग्लिश दिखाना तो वहां पे हम आईएससी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो कैपिटल मतलब हमारी वो क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं पूंजी, हाँ सॉरी, कैपिटल मतलब पूंजी, तो आईएससी लास्ट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज हो जाए। सेंट्रल मतलब केंद्र होता है, तो सेंट्रलाइज, केंद्रीकरण कर देना, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब पूंजी बनाना। तो ये आपके सामने थे, मैंने जो मेन मुख्य रूप से आपके जो वर्ब सफिक्सेस होते हैं यही होते हैं मेन, मैंने वो आपको दिखा दें यहाँ पे, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कुछ और होते हैं जैसे कि केवल ई, बाथ मतलब स्नान जो होता है ना, बाथ आपका, और क्लोथ वगैरह, उसमें ई लगा करके भी आप उनमें वर्ब, उनमें उनको वर्ब बना देते हैं, मतलब बेथ हो जाता है बी ए टी एच ई, नहाना हो जाता है क्लोथ सी एल ओ टी एच ई, क्लोथ मतलब कपड़े पहनना हो जाता है, ठीक है। और हाँ बस मुख्य रूप से यही आपके सामने, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में, वर्ब सफिक्स हमारा करीब करीब खत्म हो चुका है, हमारे सामने है अगला, और क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, एडवर्ब सफिक्स, ठीक है। मुझे पता है अभी आप लोग मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मैं ऐसे अलग अलग चीजें लाता रहूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मजबूर हो कर दूंगा मैं, या फिर आप लोग मजबूर हो जाएंगे वीडियोस को पूरा अंत तक देखना। देखिए जब आप देख ही रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत कर दिए हैं, अगर उसमें आपने अपना 3 सेकंड भी गवाया, 3 सेकंड में वीडियो चलाई, 1 मिनट भी वीडियो चलाई, तो आखिर वो 1 मिनट गया ना, अब उसकी भरपाई करने के लिए आप पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका कहीं ना कहीं अगर काम की चीज मिल गई तो वो पूरा समय आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये किया करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है, मैं कुछ अलग कुछ नया कुछ अलग कुछ बेहतर करके आपको दे सकूं, हर बार मेरी यही कोशिश रहती है। आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन के तरीके में या फिर कुछ जो चीज़ें मैं आपको डिलीवर करता हूँ सब, मैं देखते हैं कुछ ना कुछ हमेशा नयापन आपको नजर आता रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं एडवर्ब सफिक्स, ऐसे मैं बस जस्ट बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग कर दें, कुछ दूसरा बच्चों को दे, जो बच्चे खुद पसंद करें, देखना चाहें उनके काम की चीज़ों, ठीक है। तो एडवर्ब सफिक्स मैंने जो एक्सेप्शन आपको बताया था केवल वही एक याद कर लीजिए आप लोग, एल वाई जब किसी भी एडजेक्टिव के अंत में लगा हो, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, तो वो क्या कहलाता है आपका, आपका एडवर्ब सफिक्स, जो मैंने शब्द लिखे थे आप लोग को याद होगा, सैड या फिर बैड, इनमें जब आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैडली या फिर ये बैडली, ठीक है। तो हमारी वीडियो का ये समापन हुआ, आप लोगों को मैं फिर बता दूं कि पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लिया लिंक में से, और आपका प्रीशियस फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी ये जो एक कोशिश थी ये कितनी किस हद तक सफल हो पाई, आप लोगों को चीजें पसंद आई कि नहीं, कंटेंट अच्छा था कि नहीं, कुछ अलग कुछ बेहतर जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कह रहा हूँ, तो उस धुरी पर ये चीज़ मेरी सही उतरी कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा ताकि मैं और प्रेरित हो सकूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया हमेशा देने के लिए, और भी ऐसी चीज़ें मैं कुछ ना कुछ खोज के लाता रहा हूँ जो आप तक को आपको डिलीवर करता रहा हूँ, ठीक है, आप तक चीज़ें जा सकें। फिर मेरा हर वीडियो के लास्ट में जो कहना वही कहना है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब, सॉरी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट तो जरूर करिए यार, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना बस 2 सेकंड का काम होता है, करिए कमेंट, अपनी चीज़ें बताइए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस किन चीज़ों पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, 10 मिनट का ही हो 5 मिनट का ही हो, बट हम देने की कोशिश पूरी करेंगे आपको उसका एक्सप्लेनेशन, जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या कमियां हैं वो बताइए, इस वीडियो में क्या अच्छा मिला आपको वो भी बताइए, और क्या खराब था वो भी बताइए, ताकि उसको हम अगली वीडियो में सुधार सके। तो फिर वही कहते हुए अगर मैं एक चीज़ और आपसे आज ऐड करता हूं, अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप याद रखिएगा आप सुपरसिटी एजुकेशन हब देख रहे हैं कुछ अच्छा, फिर अगली वीडियो में यही कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा और लेके आपके लिए आऊँ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।